गिनती अध्याय 12 मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने कुरूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून और उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खम्भे में से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और यह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे मेरे ईश्वर, कृपया कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और उसके बाद वह फिर भी इतर आने पाए। तब मरियम 7 दिन छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेसेरोत के प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। थैंक यू।